नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। त्योहारों से पहले ही भगन ने लगाया शतक, फसल कम और लॉकडाउन के कारण बढ़ रहे दाम। मुनाफा वसूली से सेंसेक्स 186 अंक टूटा, 15,800 अंक से नीचे आया निफ्टी। इन दिनों शहर में कई इलाकों में सड़क किनारे अनानास बिकता नजर आ रहा है। बताया जाता है कि डिमांड कम होने के कारण माल सड़क किनारे बेचना पड़ रहा है। आमतौर पर इसकी डिमांड गर्मियों में ज्यादा होती है। ज्यादातर जूस के लिए ही उसे पसंद किया जाता है। लंबे समय तक चले लॉकडाउन के कारण जूस दुकानें बंद रही थी। इसके बाद दुकानें खुली तो बारिश का सीजन शुरू हो गया। इस सीजन में जूस की ज्यादा डिमांड नहीं होती है, इसके चलते विक्रेताओं को माल सड़क पर बेचना पड़ रहा है। रास्ते में अनानास 50 रुपए नग बिक रहा है। विक्रेताओं का कहना है कि आवक ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन मांग ना होने से माल नहीं बिक रहा। इस सीजन में फल नीचे से खराब भी हो जाता है, इससे भी लोग ज्यादा नहीं खरीदते। कलमना मंडी में अनानास की रोजाना 2-3 गाड़ी आ रही है। एक गाड़ी में 10 से 12 टन माल होता है जो कि केरल से आता है। थोक बाजार में क्वालिटी के अनुसार 30 से 60 रुपए नग अनानास बिक रहा है। वही गर्मियों के सीजन में कीमत 80 रुपए नग तक चली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। निवेशकों की मुनाफा वसूली के बीच आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और इंफोसिस के शेयरों में गिरावट से मंगलवार को सेंसेक्स 186 अंक टूट गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 185.93 अंक के नुकसान से 52,549.67 अंक पर आ गया। निफ्टी 67.25 अंक टूट कर 15,748.45 अंक पर आ गया। सेंसेक्स की कंपनियों में कोटक बैंक का शेयर सबसे ज्यादा 1% से अधिक तोड़ गया। आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई तथा एक्सिस बैंक के शेयर भी नुकसान में रहे। जानकारों के अनुसार वित्तीय वाहन और धातु कंपनियों में मुनाफा वसूली से बाजार नीचे आया है। वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख से भी धारणा प्रभावित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। उपवास के दौरान सेवन किए जाने वाले खाद्य भगर के दाम ने त्योहार आने से पहले ही शतक लगा दिया है। इसी साल जनवरी माह में भगर के दाम 50 से 55 रुपए प्रति किलो तक थे, जो अब 110 रुपए प्रति किलो के स्तर तक पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में भगर के दाम में और बढ़ोतरी आने की संभावना भगर के थोक व्यापारी व्यक्त कर रहे हैं। भगर का उत्पादन तमिलनाडु और ओडिशा में अधिक प्रमाण में होता है, इसे वहाँ पर कोदो के नाम से जाना जाता है। कोदो के दानों को चावल के रूप में खाया जाता है। स्थानीय बोली में भगर के चावल के नाम पर इसे उपवास में भी खाया जाता है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण जगह जगह लॉकडाउन लगा गया था, जिससे भगर की फसल आ नहीं पाई है। बारिश शुरू होते ही अब वहाँ के किसान पुराना माल स्टोर में रख नई फसल की बुआई के काम में लग गए हैं। नासिक में मिलों में भगर पर प्रक्रिया की जाती है, जिसके बाद यह बाजार में बिकने के लिए आती है। अभी बुआई करने के बाद नई फसल नवंबर माह में आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। विदेशों में खाद्य तेलों में घट बढ़ के बीच दिल्ली थोक जिस बाजार में मंगलवार को इनमें नरमी रही, दालों में उतार चढ़ाव देखा गया, जबकि चीनी और अनाजों में टिकाव रहा। तेल तिलहन की बात करें तो वैश्विक स्तर पर मलेशिया के बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का सितंबर वादा 40 रेटिंग चढ़कर 3,540 रेटिंग प्रति टन पर पहुंच गया। वहीं दिसंबर का अमेरिकी सोया तेल वादा 0.17 सेंट फिसल कर 59.86 सेंट प्रति पॉट बना गया। स्थानीय बाजार में आवक बढ़ने से सरसों तेल तथा सोया तेल के दाम 220 रुपए और पाम ऑयल के 219 रुपए प्रति क्विंटल टूट गए। सूरजमुखी तेल, मूंगफली तेल और वनस्पति के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गुड़ चीनी की बात करें तो मीठे के बाजार में आवक और उठाव में संतुलन रहने से चीनी और गुड़ के दाम गत दिवस के स्तर पर ही पड़े रहे। दाल दलहन की बात करें तो दालों में मिश्रित रुक रहा। अरहर दाल 50 रुपए प्रति क्विंटल महंगी हुई, जबकि उड़द दाल की कीमत 100 रुपए प्रति क्विंटल टूट गई। मूंग दाल, मसूर दाल और चना दाल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। चने में भी टिकाव रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। सरकार के स्टार्टअप इंडिया अभियान का असर दिखने लगा है। बड़े निवेशकों वेंचर कैपिटल का स्टार्टअप पर भरोसा बढ़ने लगा है और वह अब स्टार्टअप में जमकर निवेश करने लगे हैं। इसकी बदौलत इस साल जनवरी से मई के बाद सिर्फ 5 माह में स्टार्टअप ने 8.1 अरब डॉलर की राशि जुटाई है। यह वर्ष 2020 में पूरे साल जुटाई गई राशि का 93% है। ग्लोबल डाटा की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।
इस साल जनवरी से मई के बीच स्टार्टअप ने जो राशि जुटाई है उसमें टेक्नोलॉजी, फिटनेस और रिटेल क्षेत्र का दबदबा है। इस अवधि में मोहल्ला टेक ने 50.2 करोड़ डॉलर, जोमैटो मीडिया ने 50 करोड़ डॉलर, ड्रीम इलेवन फैंटेसी ने 40 करोड़ डॉलर, ड्रीम स्पोर्ट 40 करोड़ डॉलर और स्विगी ने 34.3 करोड़ डॉलर की राशि वेंचर कैपिटल से जुटाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। त्योहारों से पहले ही भगत ने लगाया शतक, फसल कम और लॉकडाउन के कारण बढ़ रहे दाम। मुनाफा वसूली से सेंसेक्स 186 अंक टूटा, 15,800 अंक से नीचे आया निफ्टी। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही, ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।